करीबन 6:15 हो रहे हैं और अभी तक बिरयानी नहीं आई। उसकी वजह ये बिरयानी आज थोड़ा सा लेट है क्योंकि वह किचन में कुछ गैस के इश्यूज हो रहे हैं और बड़ा मेरे ख्याल से हमें इनके घर आ रही है पूरी गैस आ रही है इनकी। तो भाई आज दो दो जो है हम लोगों ने बंदे रख लिए, एक तो शफीक भाई हैं और ये हमारे शाहजान साहब हैं। भाई वॉलंटियर्स के लिए रुक लो यार, चलो 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 चलो, बहुत समझ रहे हो। अब एक हाथ में दर्द हो रहा है क्या? तो भाई ये कुछ बैग्स आए हैं हमारे पास यूएसए से, अब्दुल्ला साहब ने ये हमें भेजे हैं। ये तकरीबन 50 बैग्स हैं जो इंशाल्लाह आज जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टार ड्राइव की भी हमारी माशाल्लाह पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, ट्रक आ चुका है, लोडिंग स्टार्ट है, बस यहाँ से भी हम लोग कम्प्लीट करते हैं, इंशाल्लाह निकलते हैं इफ्तार ड्राइव के लिए। ये माशाल्लाह ये नवी इफ्तारी का ट्रक आ गया है। बच्चा वार्ड जा रहे हैं रोजाना की तरह माशाल्लाह से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज है नवा दिन इफ्तार ड्राइव का अल्हम्दुलिल्लाह, और NICD में जुम्मे का भी दिन है। आज काफ़ी ज़्यादा रश भी दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली OPDs होती हैं, जुम्मे को होती है, हफ्ते को होती है, मंडे को होती है, तो ये दिन होते हैं जहाँ पे OPDs होती है, तो ज़्यादा लोगों का अटेंडेंस का रश होता है, लोगों का रश होता है, लोग आते हैं एमरजेंसी में भी, और भी बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखें वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी लोग आते हैं, तो वो इस वजह से थोड़ा सा रश यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच जो लोग भी सपोर्ट करें। आज का दिन जो स्पॉन्सर्ड है वो एहसन खान, सन ऑफ हसन खान साहब की तरफ से, तो मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग तमाम उनको दुआओं में याद रखें, हसन खान साहब को, जिनकी तरफ से आज का इफ्तार ड्राइव का अरेंजमेंट हो चुका है। इसी तरह हमारा कल का भी अरेंजमेंट है, हमारा संडे का भी अरेंजमेंट है, इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आगे आगे के डेज जो है ना रिजर्व कर रहे हैं जैसे जैसे लोग उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा जी, आज की थोड़ी सी बिरयानी लेट है और बस वो थोड़ी देर में आने वाली है, मुझे लग रहा है आज काफ़ी चैलेंज होगा। ये कभी एक डोनर हैं, उन्होंने जूस ला के दिए, तो ये सब रख रहे हैं जूस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी आए थे वो, अब जा रहे हैं वापस। मैंने इसी तरह भी कहा कि लोग यहाँ पे भी आके कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट करवाना हो तो वो दे सकते हैं। अच्छा भाई, तकरीबन 6:15 हो रहे हैं और अभी तक बिरयानी नहीं आई। उसकी वजह ये बिरयानी आज थोड़ा सा लेट है क्योंकि वो किचन में कुछ गैस के इश्यूज हो रहे हैं और बड़ा मेरे ख्याल से हमें इनके घर आ रही है पूरी गैस आ रही है पूरे कराची में गैस के इश्यूज हैं भाई, और हमको भी आएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन 2 दिन से माशाल्लाह से टाइम पे थी, बट आज मेरे ख्याल से जुम्मा है तो आज आपको पता है ना, सब तो अभी मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी से चीज़ें करनी पड़ेंगी। 6:15 तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं और आपको पता है आधा घंटा है हमारे पास। भाई और भी अभी जूस डोनेट किया है, तो ये आ रहे हैं उठा के पहले, ये अरहम की तरफ से है भाई जूस, थैंक यू अरहम, तो ये जूस देना आया है। आज शफीक भाई थोड़े से फारिग बैठे हुए हैं बिरयानी का वेट करते हुए, क्योंकि ज़रा मसले हैं भाई, ऐसा होता है भाई जुम्मे के दिन ज़्यादा लोड होता है। बात हो गई, कह रहे निकल आ रहे रास्ते में, चलो भाई रास्ते में। कैसे हो, ठीक हो? तुम हर साल आया तो तस्वीर खिंचवाने? अच्छा ऐसी आ गए। अच्छा यहाँ पे एक हजरत हैं जो खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब जो है ना रोजेदारों को खजूर बांट रहे हैं, बड़ी सुकून से है, देखें ना आप लोग बैठे हुए, आपने आके सुकून से बांट लिया। अभी यही साहब बाहर होते तो इनका जो ना ऐसे कैसे करते थे लोग। भाई आज हमें हमारे फरीद भाई ने भी ज्वाइन किया है और इन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है माशाल्लाह इफ्तार में, सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? सर मैं तो अमेजिंग है, मैं तो देख के हैरान, कितने लोग यहाँ पे खाने वाले और आप लोग माशाल्लाह भाई दोनों हाथों से सलाम है कि आप लोग अपने घर के इफ्तार हो गए यहाँ पे लोगों से इफ्तार कर रहे हो, तो यार बहुत बड़ी नहीं मज़ा आता हम लोगों को मेरे ख्याल से, वो घर में फिर बोरियत होती है, वो हमने लॉकडाउन के वक्त एक दो दफ़ा हुआ ऐसा, बट घर में अब बोरियत होने शुरू हो गई, अब यही मजा आता है लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मसला ये हो गया कि दस्तरखान ऑब्वियसली बिछा दिया था, गाड़ी आई है, अब बड़ी मुश्किल से लोगों को हटा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, कर लेंगे। आज लेट हो गया यार काफी। डायरेक्ट डायरेक्ट आने दो, डायरेक्ट आने दो, छोड़ दे निकाल वहां से, मैं छोड़ दूँ।
तो भाई आज दो दो जो है हम लोगों ने बंदे रख लिए, एक तो शफीक भाई है और ये हमारे शाहजान साहब हैं। आज असल में बिरयानी लेट है और कुछ हाल का 6-8 मिनट में रोजा खुलने वाला, तो बड़ा तेजी। तो आज जो है थोड़ा मुकाबला जो है वो थोड़ा टफ है। टाइम कितना रही है ये बोलो? टाइम 5 से 6 मिनट रहेगा बस। तो बस बिरयानी में भी लगो जल्दी से। तो पानी वगैरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है भाई, बस अब जो है बिरयानी के थाल डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इंशाल्लाह वो 5 से 6 मिनट बाद इफ्तार शुरू हो जाएगा। पूरा रश लग चुका है और हमारे बंदे भी आज जो है परेशान हो गए निकालने में बिरयानी। क्या सीन है, आज पूरा रश हो गया और भाई एंड टाइम के ऊपर जो हम लोग 15 मिनट पहले ही भाई वॉलंटियर्स के लिए रोक लो यार। चलो 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 बहुत समझ रहे हो, अब एक हाथ में दर्द हो रहा है क्या? नवे रोजे का इफ्तार हुआ चाहता और आज तमाम दिन की जो जिम्मेदारी दी थी वो ऐसा खान है और उनके वालिद की तरफ से थी, तो तमाम लोग इनको दुआओं में याद रखेंगे। आप इसी तरह कोई डे अगर रिजर्व करवाना चाहते हो तो इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हुई मोदी, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और इस तरह आप भी कोई डे रिजर्व करवा सकते हो, वरना तो पार्शल भी आप जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बाकी ये है कि अगर आप लोग ऐसी गो फंड पे भी अगर सपोर्ट करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।